फेल आदमी है, क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे, कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। पी यादव की पहचान क्या है? जब वो क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहां पानी ढोते थे। उनकी सिर्फ एक ही पहचान है कि वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये बोल हमारे नहीं है, ये बोल राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव की क्या पहचान है। बिहार छोड़िए, पूरे देश में तेजस्वी यादव की सिर्फ एक ही पहचान है कि वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्रिकेट खेलने का उन्हें काफी ज्यादा शौक था, क्रिकेट खेलने भी गए, लेकिन वहां उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ पानी ढोने का काम किया है। आज तेजस्वी यादव खुद को बड़ा नेता बताते होंगे, लेकिन वो क्या है ये बात किसी से छुपी नहीं है। क्या कुछ प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को लेकर बोल रहे हैं, चलिए हम आपको पहले उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। लोगों को क्या मतलब है इस चीजों से? गया उलूल जुलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव, भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नवा फेल आदमी है, क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे, कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है, लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं, राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उससे देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाएगा, आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने सवालिया लहजे से पूछा है कि तेजस्वी यादव की पहचान क्या है। लालू यादव के लड़के हैं इसीलिए सब लोग जानते हैं, और इसीलिए वो आरजेडी के नेता भी हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि वो नौवीं फेल आदमी क्रिकेट खेलने गया तो वहां पानी ढोते थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन लोगों को इन सब चीजों से क्या मतलब है, उलूल जुलूल बकवास करते हैं, लोगों को जाति धर्म में बांट कर शराब और बालू का काम किया है, पैसा वसूल कर टिकट बांटा है, जाति के नाम पर लोगों से गरीबी और मजदूरी में वोट देते हैं। तेजस्वी यादव को जीपीडी वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि ज्ञानी आदमी ने जीडीपी को सबसे ज्यादा बिहार की बताई है। पीके ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको ये समझ नहीं है कि जीडीपी क्या है। पीके ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव की पहचान क्या है, वो नौवीं फेल आदमी है, बिना कागज देखे हुए यदि जीडीपी की परिभाषा भी बता दे तो मैं काम छोड़कर तेजस्वी यादव के नाम का झंडा लेकर घूम जाऊंगा। एक तरफ तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बताते हुए उन्होंने कहा है कि आज ये बड़े बाहर जाकर कह रहे हैं कि जीडीपी को लेकर ये बयान दे रहे हैं, लेकिन जरा इनसे जीडीपी का फॉर्मूला पूछ लीजिए, जीडीपी है क्या इनसे ये पूछ लीजिए, तो मैं इनके नाम का झंडा लेकर पूरे बिहार में घूम जाऊंगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।